फ्रेंड्स, आई एम विक्रम सिंह। आज फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग आपके बीच में, जो फ्लिपकार्ट से हमने आज मंगवाया है आज, और ये भी डिलीवर हुआ जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये फ़ोन हमें 22 को पड़ा। ये देख लीजिए आप, और इसमें मेरा एड्रेस वगैरह मैं हाइड करता हूँ थोड़ा सा। कीजिए भाई साहब इसको अनबॉक्स और दिखाइए अपना फ़ोन सभी को। तो थोड़ा कल वाला सेटअप जो है, ये हमारा ट्राइपॉड ये भी आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ रख के। हाँ, तो बबलू जी भाई साहब कल की तरह ही अनबॉक्सिंग इसको करेंगे, नॉर्मल देसी अनबॉक्सिंग हमारी होगी आज फिर से। और फ़ोन बड़ा शानदार है, फ़ोन का ओवरलुक और रिव्यू मैं आपको थोड़े दिनों बाद दूंगा, पर अभी के लिए हम लोग एक नॉर्मल अनबॉक्सिंग आपके लिए दे रहे हैं, जिससे हाँ नहीं कोई आप डिस्ट्रॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। बस ये हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है और इस बिल को हम साइड में रख देते हैं, और आ चुका है हमारा फ़ोन हाथ में। इस टाइप से कुछ इसका बॉक्स दिखता है, देख लीजिए, हम इसको साइड में कर देते हैं। नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो फुल सील पैक्ड, इसकी पूरी सील पैक्ड है, देख लीजिए आपके सामने। उसकी हाइलाइट्स जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले है, डॉट नॉच वाली, SDR10 सपोर्टेड है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 3 732G 8nm हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। 64MP का क्वाड कैमरा है, जिसमें 16MP की सेल्फी है, डुअल स्टूडियो स्पीकर है। सबसे बड़ी बात है कि इस रेंज में डुअल स्टूडियो स्पीकर दे रहे हैं। IR रिमोट तो हमेशा से EMI देता है, और कवर्ड ग्लास है इसका। बैटरी काफ़ी अच्छी है, 5020mAh की है, और 33W की फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर। और टच सैम्पलिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है इसकी। और लाइट सेंसर वगैरह, वाइब्रेशन मोटर वगैरह, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक सेटअप है पूरा। 6 128GB मेड इन इंडिया है ये प्रोडक्ट, देख लीजिए आप इसका बॉक्स वगैरह। हम इसकी सील में आपको यहाँ से अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ एक बार, और ये हम लोग यहाँ से सील ब्रेक कर देते हैं इसकी। वो जो सब कीजिए इसकी सील ब्रेक, गैस को हटा लीजिए ऐसे करके, बस हो चुकी है। और इसकी भी हम लोग ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, बस हो चुकी है, बस डन। एक और सील है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक और सील है। हाँ, ये हट जाएगी, बस हट जाएगी। तो ऐसा कुछ हमारे बॉक्स का जो कंटेंट है ये है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको साइड में रखते हैं, और पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है ये सेक्शन, जिसके अंदर एक तो सिम एजेक्शन पिन है, इसी के साथ कुछ टेम्परामेंटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इनके, और एक ट्रांसपेरेंट केश कवर, शानदार अच्छी क्वालिटी का यार, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, देखो बहुत शानदार क्वालिटी का, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है मैं इस तरीके का जो कवर है। ये साइड में रखते हैं अपन, इसको कोई पढ़ने वाला है नहीं। इसके बाद आता है हमारा फ़ोन, जो कि काफ़ी बेहतरीन लुकिंग में है, ब्लैक, और इसको भी साइड में करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या एसेसरीज हमको मिलती है इसके साथ। ये सेक्शन अलग आता है, 33W का जो फास्ट चार्जर है इसमें, ऑरेंज एक्सेंट के साथ हमें मिलता है, देख लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसको भी साइड में रखते हैं हम लोग, और केबल आती है इसके साथ Type-C to USB-A, ऑरेंज एक्सेंट के साथ आती है, ये भी देख लीजिए आप। तो इसको भी हम लोग साइड में करते हैं। अब आते हैं फ़ोन पर कि किस तरीके का फ़ोन हमें मिलता है इसके बीच में। तो ये सेक्शन हम लोग वापस से इसमें शिफ्ट कर देते हैं, बाकी फिर शुरू करते हैं अपना। तो फ़ोन को ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके का दिखता है ये। इसकी जो ये देखिए किस तरीके से ओपन होगा, और ये ओह शानदार, बहुत ही ज़्यादा शाइनी बैक पैनल है इसका, शायद प्लास्टिक है या फिर ग्लास है पता नहीं है,
पर काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल लुक है फ़ोन का। एमोलेड स्क्रीन है 120 हर्ट्ज़ की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डी डॉट स्क्रीन है, जो कि मैं ऑन कर लेता हूँ आपके सामने एक बार। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे फ़ोन। टाइप सी के पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और ये स्पीकर दे रखा है, डुअल स्पीकर है, तो ऊपर पे भी हमें मिलता है, आईआर ब्लास्टर मिलता है, और 3.5 एमएम जैक भी हमें देखने को मिलता है। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक फ़ोन लगा मुझे, डिसेंट सा। बाकी देख सकते हैं आप कितना शानदार दिख रहा है, दिखने में तो बहुत ज़्यादा शाइनी है। तो ये जो प्रोडक्ट है ओवरऑल, मैं इसका आपको वन मंथ के अंदर एक रिव्यू भी दूंगा कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट रहा है, कैसा नहीं दिखता ये, और बाकी जो एसेसरीज वगैरह हैं वो मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हमें मिलता है ये। और ये ट्रांसपेरेंट जो कवर हमें मिलता है ये देख लीजिए आप। इसी के साथ साथ ये फ़ोन, हाँ एक मिनट बस, अब देख लीजिए अपना, मैं आपको एक ये थंबनेल के लिए फ़ोटो भी हो जाएगा इसके साथ साथ। ये जो प्रोडक्ट इसी के साथ मिलते हैं ये लो, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें पूरा ओवरऑल एक पैकेज मिलता है। एक कवर देख लीजिए आप, ट्रांसपेरेंट कितनी शानदार क्वालिटी का है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं तो ऐसे चीज़। फ़ोन की जहाँ तक हम बात करें तो फ़ोन हो चुका है हमारा ऑन, और MIUI कितना मिलता है इसमें, 12.5 मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब एक बार ओवरऑल पूरा सेटअप करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो ऐसा कुछ हमारा फ़ोन है जिसका ओवरऑल मैं एक बार पूरा सेटअप कर लिया है मैंने, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्क्रीन का जो रेशियो है, मतलब कितने हर्ट्ज़ पे भी ये काम करेगी, 120 हर्ट्ज़ वगैरह। रिफ्रेश रेट अभी 60 हर्ट्ज़ पे आती है कंपनी के थ्रू आउट, मैं इसको 120 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। और अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये काम कर रहा है, देख लीजिए आप कितना शानदार, ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ, फ्लॉलेस बिल्कुल। और अब कैमरा डिपार्टमेंट पे हम लोग आते हैं, सबसे बड़ी चीज़, तो काफ़ी अच्छा इसका कैमरा है, ये पूरा सेटअप कर लिया है मैंने। ओके तो ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा एक शानदार लेआउट है पूरा कैमरे का, और अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा वाइड है। और ये देख लीजिए ये नॉर्मल एंगल है इसका, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसका जो 2x जूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, अच्छा दिखने में अच्छा है। वीडियो अपन एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितने वीडियोस में फुल HD 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, और आपको दिख रहा होगा शायद, मैं फ्लैश ऑफ कर देता हूँ, तो फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। बाकी सभी पे 30 FPS का ऑप्शन है ओनली, पहले ध्यान कर लीजिए एक बार आप कि फुल HD और अल्ट्रा वाइड पे भी कर सकते हैं आप। अल्ट्रा वाइड पे 30 FPS भी रिकॉर्ड होगा फुल HD में, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि व्लॉगर लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं इस चीज़ को कि कितने FPS पे, अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करते ही और ये 30 FPS पे आ जाता है सब, और नॉर्मल कैमरे पे फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है ये। काफ़ी अच्छा एक लेआउट है कैमरे का। सिस्टम की UI का एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यूज़र UI जो है, सिस्टम UI MIUI जो इसका आता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस वर्क करता है, देख लीजिए। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा 120 Hz और 60 Hz में जो फ़र्क होता है वो मुझे अच्छी तरीके से महसूस हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके लाउड स्पीकर की क्वालिटी की, तो मैं आपको रिंगटोन वगैरह कुछ सुना के दिखा देता हूँ इसमें, तो ये देख लीजिए ये फुल साउंड है, ऐसा कुछ साउंड है, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक डिसेंट सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करता। हैप्टिक मोटर की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है वो ठीक ठाक सा हो रहा है, ज़्यादा इतना कुछ, इतना ज़्यादा ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे कुछ फील हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी फ़ोन ओवरऑल दिखने में अच्छा है, मैं एक बार जो कवर आता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार मुझे तो मैं लगा के दिखा देता हूँ एक बार आपको। अब ये अपने पास रहेगा तो मैं कन्फर्म पता करूँगा इसका कि कैसा क्या रहा है इसका 2-3 महीनों में ओवरऑल ये एक्सपीरियंस। ये देख लीजिए आप, फ़ोन काफ़ी अच्छा दिखने वाला है ये, और ऐसा कुछ रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे जब भी सब्सक्राइब शेयर करते हैं वीडियो को और ऐसे करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम कुछ ना कुछ नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। इतना छोटा चैनल होने के बावजूद हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिले। आज गिम्बल के थ्रू आउट और ट्राइपॉड के थ्रू आउट मैं दोनों हाथ फ्री है, मैं अब अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना मैं एक हाथ से रिकॉर्ड करता था और एक हाथ से वीडियो शूट करता था, तो मुझे इतना अच्छा
जो प्रॉपर समझाने का जो था वो तो बिल्कुल गायब हो जाता था दिमाग से कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब देख लीजिए आप, ये 120 हर्ट्ज़ है, मैं इसको 60 FPS पे कर देता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 60 पे मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितना इसका एक्सपीरियंस पूरा जो है, और अब देख लीजिए, अब मैं इसको वापस 120 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश रेट पे 120 हर्ट्ज़ कर दिया अपन ने, डन कर दिया यहाँ से, और ये वापस, अब देखिए आप कितना फ्लॉलेस, कितना ज़्यादा फ्लॉलेस ये फ़र्क होता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कीमत में 120 हर्ट्ज़ का मिलना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि इस कीमत में एमोलेड के साथ साथ, एमोलेड तो होना बहुत ही बड़ी बात है, और एमोलेड के साथ साथ इसमें 120 हर्ट्ज़ का होना, इसको चार चांद लगाने वाली बात हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा मुझे फ़ोन, फर्स्ट इंप्रेशन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कैमरा वगैरह मैं खुद भी टेस्ट करूँगा इसका कि किस तरीके से, बाकी कुछ एक जो सैंपल मैं फ़ोटो इससे लूँगा मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगा आपको यहीं पे, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरीके से इसका कैमरा है। कैमरा लेआउट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, ये देखिए अल्ट्रा वाइड वगैरह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये देख लीजिए, और फ्रंट की कैमरा की जहाँ तक मैं बात करूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्लैश अभी ऑन है तो मैं आपको फ्लैश ऑफ करके दिखाता हूँ किस तरीके से। एक बेहतरीन लेआउट है, प्लस AI कैमरा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। रियर कैमरे पर मैं वापस शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन अंदाज़ा मिल सके कि क्या है, ये देख लीजिए। शटर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वीडियो पे सबसे बड़ी बात है कि 30 FPS पे आप लोग शूट कर पाएंगे, 60 FPS पे आप अल्ट्रा वाइड पे नहीं चला पाएंगे, ये चीज़ मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ आपको। और बाकी हो सकता है कि अपडेट के बाद कुछ मिल जाए। तो ओवरऑल ये फ़ोन था, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको ज़रूर आगे से शेयर करूँगा। और वीडियो को फिर से एक और बार मैं बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।